राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अनोखी प्रेम कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के राजा राज करते थे। राजा नल बहुत सुंदर और गुणवान थे। वे सभी तरह की अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। उन्हें जुआ खेलने का भी बड़ा शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश के राजा भीम नाम के एक राजा थे। वे भी राज्य करते थे। वे भी राजा नल के समान ही सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थीं, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन, और पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती राजकुमारी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। बड़ी बड़ी आँखें थीं। उस समय देवताओं और यक्षों में भी यदि कोई कन्या इतनी रूपवती थी तो वह दमयंती थी। उसके सामने अप्सराओं का रूप भी फीका लगता था। उन दिनों कितने ही लोग उस देश में आते और राजा नल से कहते कि जो राजकुमारी दमयंती बहुत ही सुंदर है, दमयंती के गुणों का बखान करते। एक दिन राजा नल ने अपने महल के बगीचों में कुछ हंसों को देखा तो उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने राजा नल से कहा कि राजा, आप हमें छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको जरूर वर के रूप में जो है चुन लेगी। अब राजा ने उस हंस को छोड़ दिया। वे सब हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास चले गए। दमयंती उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। दमयंती जिस भी हंस को पकड़ती वही हंस बोल उठता, रानी दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर कोई नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का रूप है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। राजा नल अश्विन कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उनके समान सुंदर और कोई नहीं है। जैसे तुम स्त्रियों में रतन हो वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। दमयंती ने कहा, हंस तुम राजा नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने कहा कि ठीक है, और हंस वहाँ से उड़कर राजा नल को संदेश देने के लिए उनके बगीचे में फिर आ गए और राजा नल को दमयंती का संदेश सुना दिया। दमयंती हंस के मुंह से दमयंती की कीर्ति सुनकर राजा नल बड़े प्रसन्न हुए। उधर दमयंती ने भी हंस की कीर्ति सुनकर, दमयंती तो मन ही मन उसी समय से राजा नल से प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति तो इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उसका ही ध्यान करती रहती। उसका शरीर धूमिल और दुबला हो गया, वह कमज़ोर सी दिखने लगी। सहेलियों ने दमयंती के मन के भाव जानकर राजा से निवेदन किया कि हे राजन, आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा ने बहुत विचार किया और एक निर्णय ले लिया कि मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। दमयंती के पिता ने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए निमंत्रण पत्र भेजकर सूचित कर दिया। सभी देशों के राजा हाथी घोड़ों के साथ और रथों पर वहाँ पर पहुँचने लगे। नारद और पर्वत पर रहने वाली सभी देवताओं को भी, जो स्वर्ग में देवता थे, उनको भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र और सभी लोकपाल भी अपने वाहनों सहित वहाँ से स्वयंवर के लिए रवाना हो गए। राजा नल को भी संदेश मिला तो वह भी दमयंती से स्वयंवर के लिए वहाँ पर जाने लगे। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में अपना विमान खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर कहा कि राजा नल, आप तो बहुत सत्यवर्ती हैं। आप
हम लोगों के दूत बन जाइए और हमारा एक जो कार्य कर दीजिए। राजा नल ने कहा कि ठीक है। तब इंद्र ने कहा कि ऐसे नहीं, आप प्रतिज्ञा करो कि हमारा काम कर दोगे। राजा नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि बताइए आपका कौन सा काम है। तो इंद्र ने कहा कि हम लोग देवता हैं, हम लोग राजकुमारी दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र देव, वरुण देव, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर सकती हो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, आप लोगों का और मेरे जाने का एक ही प्रायोजन है, इसलिए आप मुझे वहाँ दूत बनाकर ना भेजें, यही उचित है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कैसे कह सकता है कि आप किसी और को पसंद कर लीजिए। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कर दीजिए। तब देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि देख लो राजा नल, तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो और अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो। और बिना देर करे वे यहाँ से रानी दमयंती के पास चले जाओ। नल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं चला जाऊँगा। नल ने कहा, लेकिन राजमहल में तो बहुत कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे रानी दमयंती तक पहुँचूँगा। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बिना रोक टोक के प्रवेश कर लिया। दमयंती और उसकी सहेलियाँ भी उसे देखकर मोहित हो गईं और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। राजकुमारी कहने लगी, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले यहाँ आते समय तुम्हें द्वारपालों ने क्या देखा नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिताजी उन्हें कड़ा दंड देते हैं। राजा नल ने कहा, राजकुमारी, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। हे सुंदरी, ये देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, तुम इनमें से किसी एक देवता के साथ विवाह कर लो, यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से जब मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया तो मुझे कोई नहीं देख पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है, अब जो तुम्हें करना है वह बता दो, अब जो तुम्हारी इच्छा है वह कहो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सब कुछ मानकर बैठी हूँ, अपने आप को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है तभी से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है, यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा, और अगर आपने मुझे अस्वीकार कर दिया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजा नल ने दमयंती से कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुमसे शादी करना चाहते हैं फिर तुम मुझ मनुष्य से क्यों शादी करना चाहती हो? मैं तो उन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। जब नल ने राजकुमारी को सारी बात बताई तो नल की बात सुनकर जो राजकुमारी दमयंती घबरा गई, उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। उसने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूँगी। राजा नल ने कहा, अच्छा, तब तो तुम ऐसा ही करो, परंतु यह बतलाओ कि मैं यहाँ जो देवताओं का दूत बनकर आया हूँ, अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बातें करने लगूँ तो यह कितनी बुरी बात है।
मैं तो अपना स्वार्थ तभी बता सकता हूँ जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तब दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, राजा इसके लिए एक निर्दोष उपाय है, उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। तब राजकुमार ने कहा कि वह क्या उपाय है। तब राजकुमारी ने कहा कि वह यह उपाय है कि आप सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर के मंडप में आए, मैं आपको वर लूँगी, तब आपको दोष भी नहीं लगेगा। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं दमयंती के पास गया और मुझे देखकर उनकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गई। आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वह मुझे ही वरन करने पर तुली हुई है। अब स्वयंवर की घड़ी आ गई। राजा भीमक ने सभी को बुलवाया, शुभ मुहूर्त में स्वयंवर रखा गया। सब राजा अपने अपने स्थान से आकर स्वयंवर में यथा स्थान पर बैठ गए। तभी दमयंती वहाँ पर आई, सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। यह देखकर दमयंती को संदेह हो गया कि वह जिसकी ओर देखती है उन्हें सिर्फ राजा नल ही दिखाई देते हैं। इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और कि ये देवता हैं या राजा है, यह कैसे मैं जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही ठीक है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं को हंसों के मुँह से नल का वर्णन सुनकर उसने अपने पति रूप का वर्णन कर लिया कि उसने जो है देवताओं से मन ही मन प्रार्थना की कि हंसों के मुख से मैंने राजा नल का जब से वर्णन सुना है तभी से मैंने उनको अपने पति रूप में मान लिया है। मैंने राजा नल की आराधना के लिए ही यह व्रत शुरू कर लिया है। आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें जिससे मैं राजा नल को पहचान लूँ। देवताओं ने दमयंती की बात सुनकर उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्यों में अंतर कर सके। दमयंती ने देखा कि शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, माला कुमलाई नहीं है, शरीर स्थिर है, शरीर पर धूल व पसीना भी नहीं है। दमयंती के इन लक्षणों को देखकर ही दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया। जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र और अन्य लोकपाल अपने अपने लोकों को जा रहे थे, उसी समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। देवराज इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? तो कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। तो इंद्र ने कहा, अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया, दमयंती ने राजा नल का वरण कर लिया है, हम लोग देखते ही रह गए। अब कलयुग क्रोध में भरकर कहने लगा, तब तो यह अनर्थ हो गया, उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरण किया है, वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है, वह समस्त धर्मों को वो जानने वाला है, धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। उन्होंने इतिहास पुराणों सहित वेदों का भी अध्ययन किया है, उनको श्राप देना तो नरक में धधकती आग में गिरने के समान है। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूँगा, मैं उसे राज्य से अलग कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा, इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली और जो द्वापर था उसने कलयुग की बात मान ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही राजा नल की राजधानी में आ बसे। 12 बरस तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे
कि नल में कोई दोष दिख जाए। राजा नल बहुत ही धर्मपरायण था, लेकिन 12 बरस तक उन्हें एक भी मौका ऐसा नहीं मिला कि जिससे वह राजा को लग जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वादन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उसके शरीर में प्रवेश कर गया। कलयुग दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर बनकर उनकी बात स्वीकार करने लगा और उनके पास गया जो द्वापर था। द्वापर पुष्कर बनकर उनकी बात जो हुई थी उनके पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता करो, जुए में जीत का निषद राज का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके राजा नल के पास गया। द्वापर भी पासे का रूप धारण करके उसके साथ चल दिया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार सह न सके, क्योंकि जो पुष्कर था वह राजा नल का भाई था। उन्होंने पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए नल ने जो कुछ भी जुए में लगाते हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो मंत्रियों ने द्वारपाल को रानी दमयंती तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचवाया। तब रानी नल दमयंती को बोला कि आपकी पूरी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के प्रभाव में थे, इसलिए जो पासे फेंकते वही उनके विपरीत पड़ते। जब दमयंती से यह सब देखा नहीं गया तो उसने अपनी धाय को बुलवाया और उसके द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलवाया। उन्होंने उससे कहा कि सारथी, तुम जानते हो कि महाराज बहुत संकट में है। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है, तुम रथ जोड़ लो और मेरे बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडी नगर ले जाओ। उसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन ले लिया और बोला, तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए और कुछ है या नहीं? यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने के लायक समझो तो उसे लगा दो। एक दिन राजा नल ने देखा कि जो बहुत से पक्षी उसके पास बैठे हैं, उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। राजा नल ने सोचा कि इनके पंख से कुछ धन मिलेगा, क्योंकि राजा तो अपना सारा राजपाट सब भूल गया, हार गया था उसमें, और राजा वनवासी हो गया। और जब वह वन में उसने इतने सारे पक्षियों को देखा तो बड़ा खुश हो गया। राजा नल ने सोचा, इनके पंख सोने के हैं और इनसे मुझे ज़रूर कुछ मदद मिलेगी। ऐसा सोचकर राजा उन्हें पकड़ने के लिए जो अपना वस्त्र पहने हुआ था वही वस्त्र उन्हें पक्षियों पर डाल दिया। अब नंगे होकर राजा बड़ी दीनता के साथ जो उन्हें पकड़ने लगा, लेकिन यह क्या, पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल को तो बड़ी हीनता महसूस हो रही थी और मुंह नीचा करके खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं, हम पक्षी नहीं जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासे की बात कह दी। तुम देख रही हो ना, यहाँ बहुत से रास्ते हैं, एक अवंती की ओर जाता है और दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है, यह पायोष्णी नदी समुद्र में मिलती है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है और यह कौशल देश का मार्ग है। इस पर राजा नल दुख और शोक में भरकर बड़ी ही सावधानी के साथ दमयंती को तरह तरह से जो वापस भेजने की विनती करने लगे, लेकिन रानी दमयंती ने कह दिया कि वह अपने पति को किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाएगी, वह अपना पतिव्रता धर्म निभाएगी। और राजा नल जो उन्हें भिन्न भिन्न आश्रमों के मार्ग बताने लगे,
दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को दूर करूँगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषधि के समान होती है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कुछ कम कर सकती है। उस समय नल के शरीर पर वस्त्र नहीं थे, वे बिल्कुल नग्न अवस्था में थे। धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी उनके पास नहीं थी। शरीर पर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास से परेशान राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती भी उनके साथ ये सारे दुख झेल रही थी। राजा नल भी जमीन पर ही सो गए। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी तो सोचा, सच्ची बात तो यह थी कि दुख और शोक के कारण सुख की नींद सो ही नहीं सकते थे। उनकी आंखों में तो नींद थी ही नहीं। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझसे बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही तो उसे इतना दुख झेलना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख मिल जाए। या यह अंत में राजा नल ने यही निश्चय कर लिया कि दमयंती को इतने कष्टों में नहीं डालना है। उसे या तो वापस अपने पिता के घर चली जाए या कहीं ना कहीं चली जाएगी, मेरे साथ रहेगी तो उसे अनंत दुख मिलेंगे। इसलिए उसने रानी को छोड़ने का निश्चय कर लिया। दमयंती सच्ची पतिव्रता थी, उसके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता था। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक वस्त्र है, फिर भी उसके वस्त्रों में से मैं आधा फाड़कर ही अपना जो लपेट लेता हूँ, कहीं वह जाग ना जाए। राजा नल यह सोचकर दमयंती को धीरे से उठाकर उसके शरीर का आधा वस्त्र फाड़कर अपने शरीर को ढक लिया। दमयंती नींद में थी, राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे शांत हुए और फिर धर्मशाला लौट आए। थोड़ी देर बाद जब राजा नल का हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे और सोचने लगे कि अब तक तो दमयंती पर्दे में थी, उसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज वह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे रहेगी? मैं तो उसको वन में सोती हुई छोड़कर आ गया और मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और उसने प्रार्थना की कि हे देवताओं, तुम जो है इसकी रक्षा करना, सभी देवता तुम्हारी रक्षा करें। उस समय राजा नल का दिल दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा था, क्योंकि वह अपनी प्राण प्रिया को जो है जंगल में सोती हुई छोड़कर चला आया था। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए अपनी पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहाँ से चले गए। जब रानी दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहाँ पर नहीं है। यह देखकर वह चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती ने राजा नल को बहुत देर तक पुकारा और वे कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह विलाप करने लगी। वह बेचारी भटकती हुई जंगल के बीच में जा पहुंची। वहाँ अजगर दमयंती को निगलने ही वाला था कि दमयंती मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी एक शिकारी के कान में दमयंती की आवाज़ पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहाँ दौड़कर आया और यह देखकर अजगर दमयंती को निगल रहा है तो अपने तेज शस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया और आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती जब कुछ शांत हुई तो व्याघ्र ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से तुम यहाँ आई हो? दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर जो शिकारी था उस पर मोहित हो गया। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती उसके मन के भाव समझ गई।
दमयंती ने उसके बलात्कार करने की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी प्रकार नहीं माना तो दमयंती ने उसे श्राप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का कभी चिंतन भी नहीं किया, और जो यह व्याघ है यानी जो यह शिकारी है यह मरकर गिर पड़े। दमयंती का इतना कहते ही वह शिकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। शिकारी के मर जाने के बाद दमयंती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत ही सुंदर तपोवन है जहाँ बहुत से ऋषि निवास कर रहे हैं। उनके आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ उसने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों को प्रणाम किया, ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने को कहा, तो दमयंती ने एक भद्र स्त्री के समान सभी के हाल चाल पूछे। फिर ऋषियों ने पूछा कि आप कौन हैं, तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई। तब सारे तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं कि थोड़े समय में ही निषद के राजा को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उसके शत्रु भयभीत होंगे, वह मित्र प्रसन्न होंगे और कुटुंबी भी आनंदित होंगे। इतना कहकर सभी ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। दमयंती रोती हुई एक अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर बोली, हे अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे, क्योंकि तू तो अशोक है और शोक मिटाने वाला है। हे अशोक, मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? तो तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक के वृक्ष की परिक्रमा की और आगे बढ़ी। उसके बाद आगे बढ़ी तो बहुत दूर निकल गई। वहाँ उसने देखा कि हाथी घोड़े और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब यह पता चला कि वे सभी चेदी देश जा रहे हैं, तो वह भी उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद व्यापारी एक भयंकर वन में पहुँचे। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण वे लोग थक चुके थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात के समय जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज़ सुनकर दमयंती की नींद टूट गई। वह इस महासार के दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वहाँ सभी व्यापारी मर गए और वह वहाँ से भाग निकली। और दमयंती भागकर उन ब्राह्मणों के पास पहुँची और उनके साथ चलने लगी। शाम के समय वह राजा सुभाऊ के यहाँ जा पहुँची। वहाँ उसे सब बावली समझ रहे थे, उसे बच्चे परेशान कर रहे थे। उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो तो वह जो स्त्री है बहुत दुखी मालूम होती है, तुम जाओ और उसे हमारे पास लेकर आओ। दासी दमयंती रानी के पास गई और उसे ले आई। रानी ने दमयंती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे घूमते हुए? तब दमयंती ने बोला कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं हूँ तो कुलीन पर दासी का काम करती हूँ। तब रानी ने बोला, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती कहने लगी कि मैं यहाँ रह तो जाऊँगी, पर मेरी 3 शर्त हैं। मैं झूठा नहीं खाऊँगी, पैर नहीं धोऊँगी और परपुरुष से बात नहीं करूँगी। रानी ने कहा, ठीक है, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई, राजा नल शीघ्र दौड़े, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांध कर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, राजन, मैं कंकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने ही श्राप दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठावें,
तब तक तुम यहीं पड़े रहना, उनके उठाने पर ही तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। उनके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकता। तुम इस श्राप से मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे हित की बात तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर का हो गया और नल ने उसे उठाकर दावा नल से बाहर ले आए। कारकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल ने ज्यो ही पृथ्वी पर 10वां कदम चला और उन्होंने कहा कि 10, तो कारकोटक ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई बोले 10 तभी वह डसता था। आश्चर्यचकित नल ने उसने कहा, महाराज तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हें डस लिया है, डस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का कोई प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। यह कहकर कर्कोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वे अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहाँ से चल दिया और 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुँच गया। उन्होंने वहाँ राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़े की विद्या जैसे मैं विद्या मेरे जैसा निपुण इस धरती पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं बहुत चतुर हूँ। हस्त कौशल के सभी काम और दूसरे कठिन काम करने की पूरी चेष्टा रखता हूँ। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। उसकी बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को बेहद पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरे मिला करेंगे, लेकिन तुम ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। उसके अलावा तुम्हारे साथ वाष्णे और जीवन हमेशा उपस्थित रहेंगे। राजा नल रोज दमयंती को याद करते और दुखी होते कि दमयंती भूख प्यास से परेशान ना जाने किस स्थिति में होगी। इस तरह राजा नल दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। उधर राजा ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई ना पहचान सका। राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल और पुत्री दमयंती ने राजपाट विहीन हो गए हैं और वन में चले गए हैं। तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के राज्य में भेजा। उन्होंने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्य हवामाचन हो रहा था। उस समय दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर वह कार्यक्रम देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई है। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, दमयंती मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया और सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को रोते देख घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई कि राजा माता तुरंत अपने महल से बाहर निकल आए। ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज ये किसकी पत्नी है और किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई है। तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय उसे दिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। उसके ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों रो पड़ी। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल को देखकर पहचान लिया
कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। उसके बाद दमयंती अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती अपनी माता से कहने लगी, माँ मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो आप मेरे पति देव को ढूंढवा दीजिए। रानी को उसकी बात सुनकर नल को ढूंढवाने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ब्राह्मणों ने दमयंती से कहा, आप लोग जहाँ भी जाएं वहाँ भीड़ में जाकर यह कहें कि मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में आधी फाड़कर अपनी दासी को उसी अवस्था में आधी साड़ी में छोड़ गए, वह आधी साड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही है, मेरी दशा का वर्णन कर दीजिए और ऐसी बातें कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर सभी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब एक बाहुक नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर, उसके हाथ छोटे व शरीर कुरूप है, वह लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने शील की रक्षा करती हैं। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति के कारण दुखी और अचेत हो जाता है, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। लेकिन वह उस समय बहुत परेशान था जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए थे। जब ब्राह्मण ने यह बात बताई तो दमयंती समझ गई कि वही राजा नल है। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माता को सारी बात बताई, तब उन्होंने कहा, आप यह बात अपने पिताजी से ना कहें, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी पहुँचे, राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिएगा कि दमयंती ने फिर से स्वेच्छा अनुसार पति का चुनाव करना चाहती है। बड़े बड़े राजा राजकुमार जा रहे हैं, स्वयंवर की तिथि कल की है, इसलिए आप पहुँच सके तो वहाँ पहुँच जाइए। नल के जीने अथवा मरने का कोई पता नहीं है, इसलिए वह कल से सूर्य उदय पूर्व ही पति का वरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। सुदेव की बातें सुनकर बाहुक को बुलाया और जो राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक को कहा कि कल दमयंती स्वयंवर है और हमें जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना है, यदि तुम मुझे जल्दी वहाँ पहुँचा दो और जल्दी पहुँचना संभव हो तो समझो तभी मैं वहाँ जाऊँगा, नहीं तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर राजा नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ऐसा निर्णय कर लिया है, संभव है वह ऐसा करना चाहती हो। नल ने शीघ्रगामी रथ के चार श्रेष्ठ घोड़े जो रथ में जोत दिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रास्ते में ऋतुपर्ण ने उन्हें पासे परवशीकरण की विद्या सिखाई, क्योंकि उसे घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सीखी उसी समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, लेकिन अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और शाम होते होते वे विदर्भ देश पहुँच गए। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की गूंज से दिशाएं गूंज उठी। दमयंती रथ की घड़घड़ाहट से समझ गई कि जरूर इसको हाँकने वाला मेरा पति देव है। यदि आज मेरे पास नहीं आएगा तो मैं आग में कूद जाऊंगी। उसके बाद अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण जब राजा भीमक के दरबार में पहुँचे तो उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। भीमक को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर आए हैं। जब ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और कहा, मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया। अब राजा भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से अधिक दूर कोई प्रणाम कहने तो नहीं आ सकता,
लेकिन वे सोच छोड़कर भीमक के सत्कार में लग गए। ले बाहुक वाष्णे के साथ अश्वशाला में ठहर कर घोड़ों की सेवा में लग गया। दमयंती व्याकुल हो गई कि रथ की ध्वनि तो सुनाई पड़ रही है, पर है कहाँ, मेरे पति के दर्शन नहीं हो रहे। तो वाष्णे ने उसे रथ की विद्या सीख ली होगी। तब उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, तू जा और इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है, संभव है यही मेरे पति देव हों। मैंने ब्राह्मणों द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर मुझसे कहना। तब दासी ने बाहुक से जाकर पूछा, राजा नल कहाँ है, क्या तुम उन्हें जानते हो कि तुम्हारा सारथी वाष्णे जानता है। बाहुक ने कहा, मुझे उसके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ इतना ही पता है कि इस समय राजा नल का रूप बदल गया है, वे छिपकर रहते हैं, उन्हें या तो दमयंती या रथ में स्वयं वही पहचान सकते हैं। उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे उनके गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। अब दमयंती की आशंका और बढ़ गई और उसका विश्वास बढ़ने लगा कि यही राजा नल हैं। उसने दासी से कहा कि तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो, उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। अब आगे मांगे तो मत देना, जल मांगे तो मत देना, आग मांगे तो मत देना, उसका एक एक चरित्र आकर मुझको बतलाओ। फिर वह मनुष्य और देवताओं में से उसमें बहुत से चरित्र देखकर वह दमयंती के पास आई और बोली, बाहुक ने हर तरह से अग्नि जल थल पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। तब दमयंती को विश्वास हो गया कि वही राजा नल है। अब दमयंती ने सारी बात अपनी माता को बताकर कहा कि अब मैं स्वयं उस बाहुक की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी आज्ञा हो तो पिताजी को बता दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानी वास बुलाने की आज्ञा दे दी। दमयंती ने बाहुक के सामने फिर सारी बात दोहराई। तब दमयंती के आंखों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। नल ने कहा, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं छोड़ा और न ही जानबूझकर जुआ खेला, यह सब कलयुग की करतूत है। दमयंती ने कहा कि मैं आपके चरणों को स्पर्श करती हूँ, स्पर्श करके कहती हूँ कि मैंने कभी मन से पर पुरुष का चिंतन नहीं किया, अगर किया हो तो मेरे प्राणों का अविनाश हो जाए। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और कर्कोटक नाग के दिए वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़कर उसको याद करके फिर असली रूप में आ गए। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। दमयंती के मायके वालों ने खूब धन देकर विदा किया। उसके बाद राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य पहुँचे। राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने के लिए कहा, वह खुशी खुशी तैयार हो गया। राजा नल ने जुए की हर बाजी को जीत लिया। इस तरह नल और दमयंती फिर से अपना राज्य धन प्राप्त कर चुके थे और अपने भाई से उन्होंने अपना राज्य भी छुड़ा लिया। अब दोनों राजा नल वहाँ के राजा बन गए और रानी दमयंती वहाँ की महारानी। अब दोनों खुशी खुशी राज पाठ संभालने लगे। जो दुख उनको मिलना था वह मिल गया। बोलो श्री हरि, राधे राधे। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।